हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी रेसिपी जो बरसात के मौसम में खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप सभी घर में भजिया बनाते ही होंगे, पर आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आप ये भजिया खाएंगे तो दूसरी बार ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी जानी है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एक टिप्स है जिससे जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से प्याज को काट लेना है, रिंग रिंग काटना है। उसके बाद सारे मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने नमक ऐड किया है 1/2 टीस्पून, हमने यहाँ पर 1/2 नींबू निचोड़ अड़ा है, और अच्छी तरह से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे जिससे कि सारी रिंग अलग हो जाएगी। उसके बाद हम कोरिएंडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। सारे मसाले हम अपने टेस्ट के मुजब ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से अजमा डालेंगे, और हमने यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है। सारा कुछ अच्छे से डालकर हमें मिक्स कर लेना है। ये मसाला प्रिपेयर करना यही एक मेन चीज़ है, वरना आपके भजिया इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हमें बेसन ऐड करना है, हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है, और अच्छे से सारा कुछ मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे पिंच हमें कुकिंग सोडा डालना है, जिससे कि अच्छे हमारे भजिया फूलेंगे और टेस्टी बनेंगे। हमारा मसाला रेडी है। हमें ऊपर से कसूरी मेथी डालनी है, जिससे कि अच्छा सा टेस्ट आए। हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल गरम हो गया है। उसमें इस तरह से हमें भजिए को बनाने डाल देना है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और लगते भी बहुत ही टेस्टी है। बच्चे भी, वैसे हम प्याज के पकौड़े खिलाते हैं तो नहीं खाते, पर ऐसे प्याज के पकौड़े आराम से खा लेते हैं और लगते भी बहुत ही टेस्टी है। हमें लो फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई करना है। आपके घर में कौन से भजिया बनाते हैं, सभी को कौन से अच्छे लगते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अच्छे से हिलाएंगे जिससे कि चारों तरफ से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे पकौड़े। आप चाहे तो भजिया भी बोल सकते हो, आप चाहे तो पकौड़े भी बोल सकते हो, आपकी जो पसंद हो बोल सकते हो। अच्छे से हमारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, हम तेल में से निकाल लेंगे। अच्छे से तेल निकाल लेंगे और दूसरे खान हमें डाल देनी है। इस तरह से सारे पकौड़े हमें रेडी कर लेने हैं। ये पकौड़े का तो ऐसा है, थोड़े में जमता नहीं है, ज़्यादा ही चाहिए होता है, इसलिए हमें हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाने पड़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े रेडी है। आप देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं। हमने यहाँ पे इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप सबको कैसी लगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलता है नई रेसिपी लेके, टिल देन बाय।